हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेटेक अकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 सूरदास के पद, इसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे हैं? ऑप्शंस हैं कृष्ण की, गोपियों की, मित्र की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, कृष्ण की। उद्धव जो है वो कृष्ण के साथ ही रहते थे, और साथ रहने पर किसी से जो साथ रहते हैं उनसे प्रेम हो ही जाता है। पर उद्धव जो है वो साथ रहकर भी, कृष्ण के साथ रहकर भी उनसे उनके प्रेम से अछूते रहे। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण की। और अब आते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, गोपियाँ किसके प्रेम से अकसात हो गई? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है, अभी पहले 4 ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उद्धव प्रेम, कृष्ण प्रेम, संगीत प्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से प्रेम करती थी, तो इसका सही उत्तर हुआ ख, कृष्ण प्रेम। अब आते हैं प्रश्न 3 पर, गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं? अब गोपियाँ जो हैं कृष्ण से तो प्रेम करती थी, तो ऑब्वियसली कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण से प्रेम की भावना रखती हैं। तो इसके 4 ऑप्शन से देखते हैं, द्वेष की, क्रोध की, प्रेम की। तो प्रेम की इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर है ग, गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती हैं। अब आते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में है, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? गोपियाँ स्वयं को क्या डरपोक समझती हैं? नहीं, ये गलत है। निर्बल, ये भी गलत है। अबला, तो गोपियाँ जो हैं अपने आप को अबला समझती हैं। तो इसका सही उत्तर है ग, अबला। अब आते हैं प्रश्न 5, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण से बहुत प्यार करती हैं। जब कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं मथुरा, तो गोपियाँ को ही तो कृष्ण के आने की प्रतीक्षा है। तो इसके 4 ऑप्शन से, भक्तों को, उद्धव को, गोपियों को, उद्धव तो उनके साथ गए थे, यशोदा को। तो इसका आंसर है ग, गोपियाँ जो हैं वही कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं जब कृष्ण मथुरा चले गए थे। और अब आते हैं प्रश्न 6 पर, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? उदार, छलपूर्ण, निष्ठुर, और इनमें से कोई नहीं। तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनसे वो प्रेम करती हैं फिर भी उनको छोड़कर जा रहे हैं मथुरा, या उनसे वो छल कर रहे हैं कोई। तो उनको उनका जो व्यवहार है वो लगता है छलपूर्ण। तो इसका सही उत्तर हुआ ख, छलपूर्ण। अब आते हैं प्रश्न 7, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? कवि के अनुसार गोपियों का जो स्वभाव है, क्या वो चतुर है? ये गलत आंसर है। निर्दयी, ये भी गलत। घमंडी, ये भी नहीं। ना तो गोपियाँ चतुर है, निर्दयी भी नहीं है, और घमंडी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए में है भोला। तो इसका सही उत्तर हुआ कवि के अनुसार जो गोपियाँ हैं उनका स्वभाव है भोला। वो काफ़ी भोली हैं, वो प्रेम कर बैठी हैं कृष्ण से, और कृष्ण तो भगवान है तो वो नहीं जानती हैं। और अब आते हैं प्रश्न 8, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया, गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। तो इसका सही उत्तर है ग। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9, गोपियों का कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? तो जो कृष्ण जब उद्धव जो कृष्ण है वो मथुरा चले गए, और जब उनको पता चला कि उनको तो भगवान थे, उनको पता है कि गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं, उनके प्रेम में वो हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रही है आने के लिए, तो काफ़ी परेशान है। तो कृष्ण ने उद्धव को बोला कि जाओ गोपियों को समझाओ कि प्रेम में छोड़े योग करें। तो उन्होंने उद्धव को ही भेजा योग संदेश के लिए, उनको कहा कि मेरा ये संदेश उन तक पहुंचाओ कि मेरी प्रतीक्षा ना करें, योग में ध्यान लगाएं। तो और जब वो उद्धव पहुंचे वहाँ गोपियों के पास, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ऐसे बोला है कि योग कर, तो उनसे काफ़ी नाराज़ भी हुई। और अब आते हैं प्रश्न 10 पे, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो ये तो बहुत ही आसान है, इसका उत्तर प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, या योग संदेश। तो इसका सही उत्तर है योग संदेश। जैसे कि मैंने प्रश्न 9 में पढ़ा, 9 में पढ़ा कि कृष्ण ने उद्धव को बोला कि जाओ मेरा उन सखियों को समझाओ कि योग संदेश उनको दो कि प्रेम में तो वो है ही, और थोड़ा प्रतीक्षा कर रही हैं तो योग में ध्यान लगाएंगी तो उनकी पीड़ा कम होगी जो वो इंतज़ार कर रही हैं उनका। और स्टूडेंट्स आज हमने 10 प्रश्न किए, समझ आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम आपका सारा सिलेबस अपलोड करेंगे, सभी चैप्टर्स। और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उस लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे।